भी हम रिंग डालेंगे तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सिलेंडर ब्लॉक को यहाँ से आपको देख लेना कि कहीं पर भी स्क्रेच ना रहे, ठीक है। रिंग बदलने का मकसद है कि बाइक चले, लेकिन जब बाइक का सिलेंडर ब्लॉक में अगर यहाँ पर स्क्रेच रहेगा तो आप रिंग डलवाएंगे तो बाइक नहीं चलेगी। तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर बोर कटिंग कराना पड़ेगा तभी बाइक चलेगी। तो इसके अंदर अभी मैं जैसे रिंग डाल रहा हूँ तो हमारा ये सिलेंडर ब्लॉक जो है यहाँ पर कहीं पर भी स्क्रेच नहीं है, और इसके अंदर आज हम रिंग को डाल रहे हैं, सिर्फ रिंग डाल के फिर बाइक को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बाइक बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर धुआं आ रही थी और ऑयल काफ़ी कम हो रहा था बाइक से। तो अब हम जो है इसके अंदर रिंग को डालेंगे और मैं आपको बाइक दिखाता हूँ। आपको जो है यहाँ पर एक बार जो है कनेक्टिंग को भी चेक कर लेना है, ठीक है। ये चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये भी हमारा जब प्रॉपर तरीके से पूरा ख़त्म रहेगा कनेक्टिंग, तो इससे क्या होगा, बाइक सक्सेस नहीं होगी, तब भी बाइक धुआं मारती रहेगी। तो एक बार इसे सिलेंडर को भी चेक करने के बाद एक बार क्रैंक को भी चेक करना प्रॉपर तरीके से ज़रूरी है। और बाइक चाहे कितनी भी पुरानी हो, अगर देख पा रहे हैं मेरे पास ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पुरानी बाइक है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं, मतलब है कि सिलेंडर हमारा ठीक रहे, हेड हमारा ठीक रहे, क्रैंक हमारा ठीक रहे, तो गाड़ी का धुआं कन्फर्म कंट्रोल होगा। तो इसीलिए आपको जो है एक बार जो है रिंग, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको एक बार सिलेंडर में पुराना रिंग को नाप लेना है और उसके बाद एक बार न्यू रिंग को भी नाप लेना है, उसके बाद ही कंप्लीट लगाना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, आपको मैं अभी लगा दिखाता हूँ।
गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम है, वो यहाँ से आप देख पा रहे थे, सिलेंसर जो है हमारा यहाँ से टूटा हुआ है, और बिल्कुल कंप्लीट हो गई बाइक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स।